इस सृष्टि के इस ब्रह्मांड के एकमात्र कारण है सच्चिदानंद परमात्मा सर्वेश्वर श्री कृष्ण। कौन? जिन्होंने हमारी रचना की है। जिन्होंने हमारी रचना की है वो कौन है? जो हमारा पालन करते हैं वो कौन है? जिन्होंने हमें ये देखने की शक्ति, बोलने की शक्ति दी है वो कौन है? जो हमें चलने की शक्ति प्रदान करता है वो कौन है? वो मेरे मम्मी पापा नहीं है, वो मेरे फ्रेंड्स नहीं है, वो मेरी मनी मेरा पैसा नहीं है, मेरा काम धंधा नहीं है, मेरे बच्चे नहीं है। कौन है वो जो मुझे देखने की शक्ति देता है, जो मुझे बोलने की शक्ति देता है, जो मुझे कर्म करने की शक्ति देता है, वो कौन है? वही है सच्चिदानंद श्री कृष्ण, जिन्होंने सृष्टि का सृजन किया है। जितना भी संसार में आप देख रहे हो उन सबका क्रिएटर जो है वो परमात्मा है। उस सच्चिदानंद भगवान को हम कोटि कोटि नमन करते हैं, जिनकी प्रेरणा से आज हम और आप यहां श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने के लिए उपस्थित हुए हैं। वो करते क्या है ये तो हमने बता दिया, उनके शक्ति का इफेक्ट हमारे जीवन में क्या है। अब एक और इफेक्ट, दैहिक, दैविक, भौतिक, तीन ताप होते हैं। आप तीन तरीके से परेशान होते हैं। दैहिक, शारीरिक रोग हो तो आप परेशान हैं। दैविक, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है लेकिन आंधी तूफान ने तुम्हारे घर को उजाड़ दिया या कुछ भी नुकसान पहुंचा दिया। रास्ते से जा रहे थे, अचानक कहीं गाड़ी खड़ी की, पेड़ गिर गया, ये दैविक प्रकोप है। हम तो खड़े ही थे, हम थोड़ी गाड़ी चला रहे थे, फिर भी प्रकोप हो गया, ये दैविक प्रकोप है। दैहिक, दैविक, भौतिक, संसार के द्वारा दिया हुआ ताप। इन तीनों तापों का सृजन करने वाले और इन तीनों तापों का संहार करने वाले वही रचेता भी है, वही पालनकर्ता भी है और वही मिटाने वाला भी है। तुम्हें बनाया भी उसी ने है, तुम्हें पालेगा भी वही। और जिस दिन सजदज कर मौत की सहजादी आएगी, न सोना काम आएगा ना। सिकंदर गया दुनिया से तो दोनों हाथ खाली थे, क्या साथ में ले गया? बोले अपने जीवन के किए हुए कर्मों को साथ में ले गया। तो हम क्या हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, मेरे कर्म क्या हैं ये महत्वपूर्ण है। दैहिक, दैविक, भौतिक इन त्रितापों को जन्म देने वाला, इनको संहार करने वाला ऐसा अलवेला मेरा श्याम सुंदर सच्चिदानंद श्री कृष्ण है। ये उन्हीं की कथा है, इसलिए सर्वप्रथम हम उन्हीं को प्रणाम करते हैं। मेरे भाई बहन, एक समय की बात है, नैमिषारण्य में 88,000 ऋषि विराजमान थे, सौनकादिक ऋषि विराजमान थे। देखिए, अपने बारे में जो सोचे वो स्वार्थी और सबके बारे में सोचे वो परमार्थी। साधु किसे कहते हैं, संत किसे कहते हैं, भक्त किसे कहते हैं? जो अपने बारे में नहीं, जो सबके बारे में सोचता है, उसका कोई ड्रेसअप नहीं है। साधु का कोई ड्रेसअप नहीं है। आप लोग जींस पेंट में भी हो सकते हो साधु, माताएं बहन साड़ी में हो सकती हैं साधु, सूट सलवार में हो सकती हैं साधु। साधु का नाम सिर्फ एक भेष नहीं है, ड्रेस नहीं है, कर्म है। और साधु वो है जो अपने बारे में नहीं सोचता, जो परमार्थ मतलब संसार के बारे में सोचता है। अगर आप सिर्फ मैं और मेरे के बारे में सोचते हैं कि एक मैं और एक मेरे बच्चे, अगर इस बारे में सोचते हैं तो आप स्वार्थी हैं। और आप मैं और मेरा समाज, मेरा देश इतना सोचते हैं तो आप परमार्थी हैं। परमात्मा प्यार स्वार्थी लोगों को नहीं करता, परमात्मा प्यार परमार्थी लोगों को करता है, क्योंकि वो परमात्मा है, स्वार्थी नहीं है। वो स्वयं बहुत बड़ा परमार्थी है, वो उनको भी खाने के लिए देता है जो कहते हैं कि मैं भगवान को मानता ही नहीं हूं। उन्हें भी रहने के लिए घर देता है जो भगवान के दर पे जाके माथा नहीं टेकते। आप तो फिर भी आ गए हो, वो लोग तो झांकते ही नहीं है उधर, कभी मंदिर की सीढ़ियां नहीं चढ़ी उन्होंने,
तीर्थों की तरफ एक लीटर भी पेट्रोल डीजल खर्चा नहीं किया उन्होंने। आप तो फिर भी इतना, मेरे को पता है आप जो इतनी बड़ी संख्या में आए हो कुछ ना कुछ तो खर्चा किया ही है ना आपने। रिक्शे से आए होगे तो रिक्शे वाले को दिया होगा, गाड़ी से आए होगे तो पेट्रोल डीजल खर्चा हुआ होगा, वाहन से आए होगे तो वाहन वाले को दिया होगा, घर से निकले हो तो कुछ खर्चा जरूर हुआ होगा। लेकिन डरना मत, ये खर्चा जितना तूने भगवान के लिए किया है, ये एक तो परमार्थ में है जो धर्म की रक्षा के लिए है, दूसरा तेरी खुद की आत्मा की सुरक्षा के लिए है। जब तू वहां जाएगा ना ठाकुर जी के दरबार में, तो इसका हजारों गुना तुझे वहां पर मिलेगा और कहेंगे कि तू इतना खर्चा करके वहां गया था। इंटरेस्ट तुम्हारा है कथा सुनने का, ठाकुर जी ने उस इंटरेस्ट को भी मैं इंटरेस्ट के दे दिया। ही विल गिव यू मै इंटरेस्ट विद इंटरेस्ट। तो कितना बड़ा दयालु है वो। तो मेरे भाई बहन, साधु संत वहां विराजमान थे, सूत जी वहां पर पधारे, तो सोनकादिक ऋषियों ने सूत जी महाराज को उचित स्थान पर बैठालकर एक प्रश्न किया। हे प्रभु, आप तो अज्ञान ध्वान्त विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ, आपका जो ज्ञान है वो करोड़ों सूर्यों के समान है, विदाउट लाइट यू कांट सर्वाइव माय डियर। हां जी कि ना जी? पावर ना हो, लाइट ना हो, प्रकाश ना हो तो आप जी सकते हो? जवाब दीजिए। नहीं जी सकते ना। थोड़ी ठंड बढ़ गई थी, बिजली का बिल बढ़ गया था, इतना गीजर चलाया हम लोगों ने, और ज्यादा ठंड पड़ी तो बोले रूम हीटर चला लिया, पावर का बिल तो आएगा ही। गर्मी में एसी चाहिए, ठंडा पानी चाहिए फ्रीज का, तब भी बिल बढ़े। लेकिन मेरे ठाकुर जी ने जो लाइट दी है, इसका कोई बिल मेरा ठाकुर जी तुमसे लेता नहीं है, कोई भी बिल नहीं लेता। और इनकी लाइट तो पता नहीं कब आए कब जाए, लेकिन मेरे ठाकुर की लाइट का पता है कि 12 घंटे प्रकाश होगा और 12 घंटे तुझे सुलाने के लिए एकदम अंधेरा रहेगा, दरवाजा बंद कर चुपचाप सो जा। इतने अरेंजमेंट कोई सरकार कर सकती है तुम्हारे लिए, वो भी बिना पैसे के। हम लोग घर बनाते हैं, हाउस टैक्स सरकार मांग लेती है। अरे तुम्हारे बाप ने बना के दिया है क्या? काहे को टैक्स मांग रहे हो भाई? पहले राजा लोग प्रजा को बना बना के देते थे, वो ले जाओ तुम यहां रहो यहां रहो, कोई टैक्स नहीं। अब तो इतने टैक्स हैं कि टैक्स गिन नहीं सकते आप। और जो टैक्स की बात करे उसके पीछे फिर टैक्स लगा देते, बोले ले तेरे ऊपर और एक एक्स्ट्रा टैक्स, तू बोला ना तेरे ऊपर और टैक्स। हमारे शास्त्र कहते हैं वो राजा कभी अच्छा नहीं हो सकता जो प्रजा के ऊपर टैक्स लगाता है। बोले फिर राज चलेगा कैसे? बोले तुम्हारी अपनी योजना है, वो तुम लगाओ, वो तुम पता करो, गद्दी पे तुम बैठे हो। क्या ये विषय नहीं है हमारा? हमारा विषय है कि भगवान ने जो हमें दिया है, पानी दिया है भगवान ने, सरकार ने पानी नहीं दिया, हमें दिया है पानी। किसने दिया? जोर से बोलते जाना, पानी भगवान ने दिया। वायु किसने दी? अग्नि किसने दी? सूरज की तपस किसने दी? इन पे कोई टैक्स लगाया भगवान ने? बताओ कोई टैक्स है? पानी को पानी से तुम्हारे घर तक पहुंचाने का वाटर टैक्स, अग्नि को गैस के रूप में तुम तक पहुंचाने के लिए, तो वो तो तुम्हारा हाल तुम्हें पता ही, मैं बताऊंगा नहीं उसका तो।